हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हाइबरनेशन का दूसरा भाग। फ्यू मंथ्स बैक, राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर्स, कॉम्बैट मोड एक्टिवेटेड, रिफ्लेक्स लेवल 1000 by 12456, हिट 100 by 100, च्यूम 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 च्यूम, ऑल टारगेट इज डाउन, लेवल 2 इनिशिएटेड, साय साय, बॉक्सिंग प्लेट्स इन मोशन, कॉम्बैट लेवल 2 लॉन्च, धूम बूम। ये सब क्या है अमर? यह फ्रस्ट्रेशन भी अजीब चीज होती है सलमा। कहने को तो ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मानसिक अवस्था, परंतु असर वो पूरे शरीर पर डालती है, इस धातु के शरीर पर भी। सब जिसमें इंसानी था तब भी फ्रस्ट्रेशन निकालने का सबसे उपयुक्त जरिया अपने रिफ्लेक्सेस, अपनी फिजिकल एबिलिटी को शार्प करना था। अब भी वही है, बस जरिया बदल गया है। आखिर कौन सी बात फ्रस्ट्रेट कर रही है तुम्हें? अपनी आंखें बंद करो सलमा। व्हाट? जो कहता हूँ वो करो, आंखें बंद करो अपनी। अब उस एक शख्स का चेहरा देखने की कोशिश करो जिसे तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हो। क्या तुम्हें वह चेहरा नजर आ रहा है? हाँ, यही मेरी फ्रस्ट्रेशन का कारण है। क्या मतलब? मेरी आंखों की जगह लगे ये हाई डेफिनेशन कैमरे वे चीजें भी देख सकते हैं जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती, पर ये दिल में रहने वाले लोगों के अक्स नहीं देख सकते, क्योंकि इस स्टील के शरीर में तो इंसानी दिल है ही नहीं, सिर्फ ब्लड पंप करने वाला पेस मेकर। जो तो फिर दिल में उमड़ने वाले जज्बात क्यों है इस मशीनी शरीर में? मेरे जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा यह दिमाग इंसानी है, और वह पुकार पुकार कर अपने बिछड़े हुए बीवी बच्चों को स्मृतियों के रूप में देखने की कमांड शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहा है, पर ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जो इन भावनाओं को शांत कर सके। जानती हो सलमा, जब इंसान अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर पाता तो उसके टीयर ग्लैंड्स उन भावनाओं को आंसुओं के रूप में बाहर निकाल देते हैं, ताकि इमोशनल फ्रस्ट्रेशन का रूप न धारण करें। लेकिन इन कैमरों को लुब्रिकेट करने वाले स्लाइन ग्लैंड्स भावनाओं से एक्टिवेट नहीं होते। मैं चाहकर भी आंसू नहीं बहा सकता। टन, यह सिर्फ फर्ज की मशीन है और दिमाग कर्तव्य का गुलाम। तो फिर ये भावनाएं आती कहाँ से हैं? क्यों ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती? उफ अमर, जानती हो सलमा, मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ, अनीस ने मुझे जिंदगी फर्ज की मशीन बनाने के लिए दी थी, फिर क्यों उसने इस दिमाग में अमर और उसके जीवन से जुड़ी सभी स्मृतियों को हमेशा के लिए मिटा नहीं दिया? क्योंकि वे स्मृतियां ही तुम्हारा अस्तित्व है अमर। अगर अमर की स्मृतियां अमर का वजूद ही नहीं होगा तो इंस्पेक्टर स्टील का अस्तित्व भी नहीं होगा, फर्ज और कर्तव्य का जज्बा भी नहीं होगा। अमर की वही स्मृतियां स्टील के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही हैं सलमा। अनीस को अपनी गलती सुधारनी होगी। अमर और इंस्पेक्टर स्टील में से अब किसी एक का ही अस्तित्व इस मशीन में रह सकता है। इससे पहले भी अमर का दिमाग कई बार ऐसे एंग्जाइटी का शिकार हुआ है, पर इस बार स्थिति कुछ ज्यादा ही चिंताजनक दिख रही है। मुझे भैया से बात करनी होगी। सेम टाइम, रोबो आर्मी हेडक्वार्टर्स नियर राजनगर। हमें यह करने की कोई जरूरत नहीं है पापा। जरूरत है नताशा। शेर अगर दहाड़ना बंद करते तो लोग उसे जंगल का राजा नहीं मानते। पिछले कई वर्षों से इन राजनगर रक्षकों ने ग्रैंड मास्टर रॉबो को अनेक शिकस्त दी हैं। रॉबो के दुश्मन पहले तो दबी आवाज में कहते थे, पर अब खुलेआम रॉबो को बीता हुआ कल बताने लगे हैं। वक्त आ गया है कि दुनिया के साथ साथ राजनगर रक्षक भी जान ले कि राजनगर का सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर रोबो। रोबो आर्मी और ग्रैंड मास्टर रोबो आज भी जंगल के इकलौते शेर हैं। विश्वविख्यात साइंटिस्ट डॉक्टर अनीस रजा और उनकी सहायिका मिस श्वेता मेहरा ने की लाइव मेटल की खोज। विज्ञान की दुनिया इसे एक अभूतपूर्व कदम बताया जा रहा है, एक ऐसी खोज जो आने वाले समय में मानव जाति के लिए एक बड़ा वरदान साबित होने वाली है। और इसे सिद्ध करने में तुम्हारे डैड की मदद अगर कोई कर सकता है तो वह वन एंड ओनली वंडर वूमेन। और इसमें तुम्हारा क्या फायदा है वंडर वूमेन? तुम चैरिटी के लिए तो यह प्रपोजल लेकर हमारे पास नहीं आई हो। डैडीज लिटिल गर्ल, इतना इनसिक्योर्ड होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुमसे तुम्हारे पापा को चुराने नहीं आई हूँ। मैंने हमेशा सुना था कि औरतों का सेंस ऑफ ह्यूमर वाहियात होता है। आज नमूना भी देख रही हूँ। नमूना मैं तुम्हें अपनी ताकत का भी दिखा सकती हूँ कमांडर नताशा। ओ रियली? मैं देखने को बेकरार हूँ। आपस में लड़ना बंद करो। वंडर वूमेन लाइव मेटल से हमारे लिए एक पूरी लाइव मेटल ह्यूमनॉइड रोबो आर्मी तैयार करेगी, एक ऐसी आर्मी जो सिर्फ मेरी और मेरी बेटी के आदेशों की गुलाम होगी। और इसकी एवज में तुम क्या चाहती हो? मुझे जो चाहिए वह मैं रोबो से ले लूंगी, पर अगर कल को रोबो कानून द्वारा पकड़ लिया गया
तो तुम दूसरा बाप कहां से लाओगी? यू नताशा प्लीज। ठीक है, सिर्फ आपकी खातिर मैं खुद इस लाइव मेडल को हासिल करूंगी पापा, लेकिन अगर इसमें हम इसने हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो ये खुद को जिंदा रखने के लिए कोई उपकरण लेकिन अगर इसने हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो यह खुद को जिंदा रखने के लिए कोई उपकरण नहीं बना पाएगी। मेरी बेटी, मेरा अहंकार वंडर वुमन, उसे ललकारने की गलती दोबारा मत करना। मेरे और तुम्हारे बीच जो डील हुई है वह जरूर पूरी होगी, पर इसके बारे में नताशा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। एज यू विश ग्रैंड मास्टर। रॉबो से अपनी वर्षों पुरानी दुश्मनी भूली नहीं हूं मैं। बड़ी मुश्किल से रॉबो के इस नए ठिकाने तक पहुंची थी, पर यहाँ तो कई कोई नई ही खिचड़ी पकने की गंध आ रही है। फिलहाल खिचड़ी चूल्हे से उतरने का इंतजार करने में ही समझदारी है, पर इस पक रही खिचड़ी का इन्विटेशन किसी और को देने में कोई हर्ज नहीं है। लाइव मेटल पर अब तक के हमारे सभी टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स वाले रहे हैं। यह आखिरी टेस्ट होगा श्वेता, इसके सफल होने का मतलब है कि हम लाइव मेटल ह्यूमनॉइड्स का निर्माण कर सकते हैं। मैंने टेस्ट की सारी तैयारी कर ली अनीस सर, अफसोस तुम्हारी सारी तैयारियां व्यर्थ जाने वाली हैं, क्योंकि यह लाइव मेटल और इसका फॉर्मूला मेरे साथ जा रहा है। नताशा, सॉरी श्वेता, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं है। यूं समझ लो कि मैं तुमसे कुछ दिनों के लिए उधार ले रही हूँ, जल्दी सुरक्षित वापस करने के वादे के साथ। तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकती, यहाँ मौजूद हर चीज सरकारी संपत्ति है। चुपचाप वापस चली जाओ नताशा। चुपचाप चले जाना नताशा की आदत में नहीं है रोबो आर्मी, नहीं है रोबो आर्मी। वाह नताशा, अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए हथियारबंद फौज लेकर आई हो तुम। डोंट पुश मी श्वेता प्लीज, मेरे लिए लाइव मेटल ले जाना बहुत जरूरी है और मेरे लिए तुम्हें ऐसा करने से रोकना जरूरी है। अगर इसे यहाँ से ले जाना है तो उसके लिए तुम्हें मुझसे मुझे तुम तुम्हें मुझे शूट करना होगा। पहले ये लाइव मेटल हमारे हवाले कर दो, उसके बाद आराम से तुम लोग आपस में शूट शूट खेलते रहना। अगर यहाँ से लाइव मेटल को कोई लेकर जाएगा तो वह है ऑक्टोपस गैंग की कमांडर इन चीफ ऑक्टोपस ही। रॉबो आर्मी ओपन फायर, ऑक्टोपस गैंग चार्ज। ये तो एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन हो गई। यहाँ फिलहाल मुझसे ज्यादा चंडिका की होने की जरूरत है, लेकिन एक बार फिर ऐसी स्थिति ऐसी है कि मैं चंडिका नहीं बन सकती, कुछ चक्कर चलाना होगा। जिंग 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 जिंग, बचाओ, मैं बेहोश हो श्वेता। यह बेचारी शायद शौक से बेहोश हो गई है, सबसे पहले इसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। मेन मेन लैब से ही जुड़ा हुआ यह कॉरिडोर जो कि जाता है लैब के कंट्रोल जंक्शन तक। बाहर सारी मारामारी लाइव मेटल और उसकी फॉर्मूला डिस्क के लिए हो रही है। उम्मीद है हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। श्वेता यहाँ सुरक्षित रहेगी और मैं इस कंट्रोल जंक्शन में मौजूद अलार्म से कॉम्बैटिंग ड्रोन्स की यूनिट को और इंस्पेक्टर स्टील को अलर्ट कर दूंगा। थैंक यू अनीस सर, इसी मौके का तो मुझे इंतजार था। अब जबकि किसी का भी ध्यान मेरी ओर नहीं है, मैं आराम से इस एयर कंडीशनर शेफ्ट में दाखिल हो सकती हूँ। यहाँ श्वेता को चंडिका बनने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तमन्ना थी जिंदगी में एक बार तुझसे आमना सामना करने को कमांडर नताशा। चलो ये अच्छा हुआ, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अभी तो खेल शुरू हुआ है। ठाक ओह, क्योंकि एक बार जो कमांडर नताशा का रास्ता काट देता है वो अपनी जीवन रेखा से जिंदगी काट देता है। इतनी भी जल्दी क्या है, ये खेल में तेरे अंत के साथ खत्म होगा। दिस इज द फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग। एवरीबडी फ्रीज। ब्लाम ब्लाम। इंस्पेक्टर स्टील, रोमा अमर, व्हाट अ एलिगेंट सरप्राइज। खुद को कानून के हवाले कर दो रोमा। ओ कम ऑन अमर, पतियों की तरह हुक्म चलाना बंद करो। तुम भूल गए हो कि अब तुम मेरे पति नहीं हो। स्टॉप इट रोमा, स्टॉप इट। क्या हो गया है तुम्हें? अपराध के अंधकार में अपने जीवन और अपने बच्चों के भविष्य को यूं गर्त मत करो। कमाल है अमर, पहले तुम इंसान थे लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारे जज्बात सब कुछ मशीनी थे। अपनी ड्यूटी के अलावा तुम्हें कुछ कभी कुछ नजर ही नहीं आया। अपने उसूलों पर परिवार की खुशियां कुर्बान कर दी तुमने, और आज जब तुम एक मशीन हो तब तुम्हें इंसानी जज्बातों की अहमियत पता चल रही है। पर अब बहुत देर हो चुकी है इंस्पेक्टर स्टील। भड़ाक, मैंने तो अपने बेटे के भविष्य को बनाने के लिए खुद को अपराध के गर्त में फना कर दिया, पर तुमने अपनी औलाद के लिए क्या किया? दम, सिर्फ बेटे की याद में आंसू बहाने से पाप का फर्ज पूरा नहीं होता। ताड़, बताओ स्टील बताओ, कानून का फर्ज तो खूब निभाया तुमने लेकिन अपने बाप होने का आज तक कौन सा फर्ज पूरा किया है तुमने? सच तो यह है स्टील कि मुझे रोमा से ऑक्टोपसी बनाने वाले भी तुम ही हो। तुम एक नाकामयाब पति थे, एक नाकामयाब पिता हो, और उससे भी ज्यादा एक नाकामयाब इंसान हो। ओह,
मैं भूल गई, तुम तो इंसान हो ही नहीं, तुम सिर्फ एक मशीन हो। इस हस्बैंड वाइफ ड्रामा में दोनों का ही ध्यान मुझ पर से हटा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर मैंने लाइव मेटल की फॉर्मूला डिस्क और इस वॉयल में लाइव मेटल का सैंपल ले लिया है। अब यहाँ से निकलना होगा, जिंग जिंग जिंग। पर इसके लिए मुझे इन ड्रोन से निपटना होगा, अगर इनके लेजर व मेरे जिस्म को छू भी गए तो खेल खत्म। जिंग जिंग जिंग। ओह, मेरे वफादार कमांडोज मुझे कवर करके दोनों ड्रोन्स का वार खुद पर झेल रहे हैं। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकलना होगा। ओह, यहाँ भी कॉम्बैटिंग ड्रोन्स मेरे इंतजार में घात लगाए हुए हैं। तुम इन सबसे बच सकती हो नताशा, तुम गलती से मेरा एक सामान अपने साथ ले आई हो, उसे मुझे लौटा दो। मैं और ये ड्रोन्स तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये दिन आए, पर अब ये सिचुएशन आ ही गई है तो यही सही। एज यू विश नताशा। तुम्हारी कैट फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर अफसोस बिना ब्लैक कैट के कोई भी कैट फाइट इनकम्प्लीट है। यहाँ की सिचुएशन को देखकर लगता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। ज़रूर, तुम माइंड तो नहीं करोगी नताशा अगर मैं तुम्हारा कुछ सामान ले लूँ? नताशा जिस चीज़ पर हाथ डाल दे वो उसकी हो जाती है बिल्ली। तू कभी मुझसे कुछ चुरा नहीं सकती। म्याऊ। लिबास तूने बिल्ली वाला पहना है, बट यू रियली आर अ जिंग जिंग। ओह, कॉम्बैटिंग ड्रोन्स नताशा और ब्लैक कैट दोनों पर अटैक कर रहे हैं। ड्रोन्स के क्रिमिनल डाटाबेस में दोनों का ही रिकॉर्ड टॉप मोस्ट क्रिमिनल्स में है। ड्रोन्स के डेटाबेस रिकॉर्ड की जानकारी तुम्हें कैसे है चंडिका? फिसल गई मुई जबान, ध्यान ही नहीं रहा कि ड्रोन्स को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ श्वेता या अनीस सर को ही हो सकती थी। वो ध्रुव मुझे श्वेता ने बताया। तुम्हें तो पता है कि श्वेता और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। श्वेता ने ही मुझे ड्रोन्स के बारे में इन डिटेल बताया था। वैसे भी हमें फिलहाल नताशा और ब्लैक कैट को बचाने पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये दोनों सरेंडर नहीं कर रही और ड्रोन्स के वॉर लीथल होते जा रहे हैं, और चंडिका के रूप में होने के कारण श्वेता इन्हें रुकने का कमांड दे नहीं सकती। इन ड्रोन्स के लेजर्स के रास्ते में जो कुछ भी आएगा वह सब कुछ तबाह करते जाएंगे। इन ड्रोन्स को किसी भी तरीके से नहीं रोका जा सकता। जिंग। शायद रोका जा सकता है, एक तरीका है। लेजर बीम्स को किसी चिकनी व ठोस सतह से परावर्तित किया जा सकता है। जिंग 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 जिंग। जैसे कि मेरे टाइटेनियम ब्रेसलेट्स। मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि मैं नताशा को पूरी तरह कवर किए रहूं, क्योंकि इन ड्रोन्स का टारगेट मैं नहीं नताशा है। फटाक फटाक। ग्रेट, भैया की तरह मुझे चंडिका के लिए भी यूटिलिटी ब्रेसलेट डिजाइन करने चाहिए थे, आज काम आते। वैसे भी ध्रुव की तरह ही चंडिका को भी अपग्रेडेशन की जरूरत तो है ही, पर फिलहाल इस क्रांतिकारी विचार को दिमाग के किसी साइड नोट में डालकर सर्वाइवल मोड पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एक्सप्लोसिव, ये ट्रेलर ट्रक, इसमें तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हैं, जो कि लैब एक्सपेरिमेंट और वेब डेवलपमेंट के लिए अनीस सर ने मंगाए थे। अब यही ट्रेलर ट्रक हमें बचा सकता है। हालांकि इसमें रिस्क बहुत है, अगर जरा सी भी चूक हुई तो भैया मुझे और ब्लैक कैट को बहुत मिस करेगा। यह पूरा ट्रेलर एक्सप्लोसिव से भरा हुआ है। ब्लैक कैट के डीएनए को ट्रेस करते हुए जैसे ही ड्रोन इस ट्रेलर के भीतर आएंगे और लेजर बीम्स फायर करना शुरू करेंगे, मैं ट्रेलर के फर्श पर मौजूद ये लैच खोलकर खटाक ब्लैक कैट के साथ सुरक्षित बाहर निकल जाऊंगी। उफ, सेकंड का 100वां हिस्सा है मेरे पास इस ट्रेलर से दूर जाने के लिए, पर बेहोश ब्लैक कैट को लेकर यह काम असंभव। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राजनगर रक्षक सीरीज की अगली कॉमिक्स राजनगर रीबूट में। तब तक के लिए धन्यवाद।